ट्राई कर रखा है। हमारी सेक्टर स्कीम लागू है जिसमें मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनके टच में हैं, उनको संपर्क कर रहे हैं, उनसे निरंतर अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में वो हमारी मदद करें। जहां जहां मुकदमे दर्ज हुए हैं वहां वहां हमारे स्थानीय प्रशासन गिरफ्तारियां कर रही हैं, लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और पूरी छानबीन के साथ ही हमको किसी अभियोग में अंदर गिरफ्तार करेंगे। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है? पूरे उत्तर प्रदेश की गिरफ्तारी हम बाद में बता देंगे, आपको प्रेस बुलेटिन भेज देंगे। लखनऊ में हमने 218 गिरफ्तारियां की हैं और कल तक की हमारी रिपोर्ट थी, रात तक की 9 व्यक्तियों की मौत हुई है विभिन्न भागों में। ये संख्या बढ़ भी सकती है, हम उसका आंकलन कर रहे हैं और उस सभी जगहों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं और जैसा भी होगा वस्तु स्थिति आपको हम शेयर करेंगे। जो लोग थे अगर एनएसए गुंडा एक्ट लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी हमने रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें प्रिवेंटिव भी है और सब्सटेंटिव ऑफेंस भी है। क्या बताइए, रिहाई मंच के लोग इसमें शामिल थे इंस्टिगेट करने में, साजिश करने में, कुछ ऐसा है अभी तक? देखिए विवेचना हमारी जारी है और हमने विवेचकों की टीम बनाई है, वो टीम अपना निरीक्षण परीक्षण कर रही है। ये बताना उचित नहीं होगा कि ये है, लेकिन बाहरी तत्वों का हाथ है इसमें। प्रदर्शनकारियों की आड़ में पॉलिटिकल लोग भी थे क्या? इस तरीके की जांच बस आई है? हम सभी एंगल्स की जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन उसमें तत्व शामिल थे। उसमें एनजीओज भी शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सनल भी शामिल हो सकते हैं और बाहरी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। मोबाइल जो सीज किए गए हैं वहाँ से कुछ, उसके हम जांच करा रहे हैं बांग्लादेश से, उसके हम जांच करा रहे हैं। लोग दिख रहे थे वो लग रहा था लखनऊ के नहीं है, बाहर से लोग आए हुए थे क्या? मैंने कहा कि विवेचना में हमारी टीम सभी एंगल्स को देख रही है, उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को बताया जाएगा। हम किसी को बख्शेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने एक हिंसात्मक कार्रवाई की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बट साथ ही साथ हम किसी निर्दोष व्यक्ति को भी नहीं गिरफ्तार करेंगे। जहां जहां स्थानीय प्रशासन ने उचित समझा इंटरनेट की सेवाएं उन्होंने सस्पेंड की हैं। अभी फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है जिससे हम इस इंटरनेट की सेवा को बंद करने की योजना को और बढ़ाएं।